करो स्टार्ट में। ये 128 पेयर केबल है, इसका हम पेयर आइडेंटिफिकेशन कैसे करें वो इसमें बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें सीथ को हटाते हैं। एक सौ अट्ठाईस पेयर यानी कि 256 वायर, तो सीध हटा दी। उसके नीचे हमें एक ये रिप कोड मिलता है और उसके नीचे ये पॉलिश टेप की रैपिंग होती है 128 पेयर पे। ये स्पायरल होती है, इसको हम घुमा के निकाल देते हैं। अब ये 128 पेयर को हम आगे से थोड़ा सा इसको किसी धागे से इसको बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब इसमें हम जो इसके अंदर सबसे पहले होता है 32 पेयर के चार सुपर यूनिट होते हैं, तो हम सबसे पहले उन चार सुपर यूनिट को अलग अलग करेंगे। सुपर यूनिट जो 32 पेयर की होती है उसमें डिफरेंट जो बाइंडर टेप लगे होते हैं, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाइट बाइंडर टेप है, ऐसे लिपटा हुआ है, ऐसे ये रेड है और ऐसे ये ब्लैक और येलो। तो ये चार बाइंडर लगे हुए मेन यूनिट है, सुपर यूनिट जिनको बोलते हैं, और प्रत्येक सुपर यूनिट के अंदर 32 पेयर होते हैं। तो हम इन सुपर यूनिट को, चार सुपर यूनिट को बाइंडर वाइज अलग करेंगे। हमने ये पूरा सुपर यूनिट पकड़ा, इसको हमने अलग कर दिया। ये वाइट सुपर यूनिट है जिसके ऊपर वाइट बाइंडर लगा हुआ है, इसको भी हमने ऊपर से थोड़ा बांध दिया है। ये वाइट सुपर यूनिट है, ये वाइट बाइंडर इस पर लिपटा हुआ है। इस वाइट बाइंडर को हम नीचे की तरफ से इस सुपर यूनिट को बांध देते हैं ताकि ये पेयर इसके पूरे एक साथ रहे। इस सुपर यूनिट के अंदर 32 पेयर होते हैं, ऐसे ही बाकी तीन सुपर यूनिट को हम अलग करेंगे। ये हमने पकड़ा, ये रेड सुपर यूनिट है, इस पे जो है इसको भी हमने ऊपर से बांध दिया है। इसके चारों तरफ ये रेड बाइंडर लगा हुआ है, इसको भी हमने नीचे से बांध दिया है ताकि ये भी अलग अलग ना हो। जैसे हमने वाइट सुपर यूनिट को बांधा था वैसे इसको भी बांध दिया नीचे से। इससे क्या होगा कि हमें जो बाद में जब इसमें पेयर निकालेंगे तो ढूंढने में आसानी होगी। अब हम ये हमारे दो सुपर यूनिट हो गए, अब हम तीसरे सुपर यूनिट को अलग करेंगे, तीसरे और चौथे को। तो ये हमने ब्लैक सुपर यूनिट को निकाला है, इसमें ये ब्लैक बाइंडर लिपटा हुआ है, इसको भी हमने ऊपर से बांध दिया है। और इसका जो बाइंडर है उसको खींच के नीचे बांध देते हैं ताकि नीचे से वो मिक्स ना हो। और ये हमने ऐसे इसको नीचे से बांध दिया है, ऊपर से भी बांधा हुआ है। और जो लास्ट हमारा बचा है ये येलो सुपर यूनिट है, इसको भी हम नीचे से बांध देते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये चार सुपर यूनिट हो गए। प्रत्येक चार सुपर यूनिट में 32 पेयर हैं। अब वो 32 पेयर किस तरह से हैं वो भी इसमें हम अलग अलग करके दिखाते हैं। अब हम किसी एक सुपर यूनिट को ले लेते हैं। सबसे पहले जैसे वाइट हमने लिया था, ये वाइट सुपर यूनिट ले ली, तो टोटल हमारे जो है
ये वाइट, रेड, ये ब्लैक और येलो, ये 32-32 पेयर के चार सुपर यूनिट है। तो हमने वाइट, सबसे पहले वाइट सुपर यूनिट को ले लेते हैं और इसमें अलग अलग करते हैं बाइंडरों को। इसमें 8 पेयर के 4 सब यूनिट है। इसमें भी बाइंडर कलर है, ये जैसे ब्लू बाइंडर है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले बाइंडर को ऊपर से पकड़ा और जो दूसरा हिस्सा था नीचे से पकड़ा, ऊपर से और नीचे से पकड़े, उसको खींच दिया तो वो पूरा यूनिट उसमें इकट्ठी होकर आ गई। और उसको भी हमने नीचे से जो है, ये जो ब्लू बाइंडर है इसको भी नीचे से हम बांध देते हैं। इसके अंदर 8 पेयर होते हैं, ऐसे 8-8 पेयर के इसके अंदर 4 होंगे, उसमें बाइंडर कलर अलग अलग है। तो हमने ये 8 पेयर का एक यूनिट अलग कर दिया जिसका कलर बाइंडर कलर ब्लू था। अब हमने ये दूसरा लिया, ये ऑरेंज, ब्लू के बाद ऑरेंज हमने लिया और ऑरेंज को भी हमने बाइंडर से नीचे से बांध दिया है। इसमें भी 8 पेयर हैं, तो हमारे पास 2 सब यूनिट हो गए, ब्लू और ऑरेंज, ये इसको हमने बांध दिया। तो ये हमारे पास 2 हो गए, इनको हमने अलग कर दिया इधर को। ये नीचे से बंधे हुए हैं इसलिए इसको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमने नीचे बांधा हुआ है, ये ब्लू, ये ऑरेंज। इसी प्रकार हम इसमें से तीसरा और चौथा बाइंडर, ये ग्रीन कलर का बाइंडर, ये हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से पकड़ा और इसको उठा लिया तो वो आसानी से उड़ जाता है, और ऊपर से चूंकि बंधा है तो मिक्स नहीं होता। अब इसको खींच के हमने अलग कर लिया और इस बाइंडर को भी हमने नीचे से बांध देते हैं ताकि ये अलग ना हो। इस प्रकार हमारे पास ये 3 सब यूनिट हो गए जिसके अंदर 8-8 पेयर है, ये तीसरा, और जो चौथा बचा ये ब्राउन कलर का बाइंडर है, इसके अंदर भी 8 पेयर हैं, इसको भी हमने नीचे से बांध दिया है। तो ये हमने जो 4 हमारे वाइट, रेड, ब्लैक और येलो बाइंडर थे, उसमें से वाइट को खोला और वाइट में से हमने 4 सब बाइंडर को अलग अलग कर लिया। ये देखिए, ये 4 सब बाइंडर है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन। ये ब्लू को नीचे से बांधा हुआ है, ये ऑरेंज, ये ग्रीन, ये ब्राउन, ये चारों हमने वाइट कलर के सब बाइंडर से निकाले हैं। अब इनमें से किसी एक बाइंडर के पेयर को हम गिनेंगे। हमने जो है एक ये ब्लू बाइंडर को ले लिया है, अब इसमें पेयर हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले इसमें जो पेयर होता है वाइट ब्लू होता है, ये वाइट ब्लू, ये पेयर नंबर 1 है। उसके बाद वाइट ऑरेंज होता है, ये पेयर नंबर 2 है। उसके बाद वाइट ग्रीन होता है, ये पेयर नंबर 3 है। फिर वाइट ब्राउन होता है, ये पेयर नंबर 4 है। उसके बाद रेड ब्लू होता है, ये पेयर नंबर 5 है। उस बाद रेड ऑरेंज होता है, ये पेयर नंबर 6 है। और रेड ग्रीन, ये पेयर नंबर 7 है। और रेड ब्राउन, ये पेयर नंबर 8 है। तो इस प्रकार हमारे पास ये सब यूनिट के अंदर ये 8 पेयर हैं, और ये सेम पेयर के कलर बाकी सब यूनिट के अंदर है, यानी कि वाइट, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ऐसे करके ये 8 पेयर हैं, और 8 पेयर के ये 4 सब यूनिट हैं। इन सब यूनिट को मिला के मेन यूनिट बनता है, और इन मेन यूनिट को बना के 128 पेयर बनता है। तो ये जो आपने 8 पेयर देखे, ये सभी 8-8 पेयर के 4-4 यूनिट सब के अंदर है। 8 चौक 32,
8 चौक 32 8 चौक 32 8 चौक 32 सेम कलर है, सिर्फ बाइंडर का फ़र्क है। जो जो मेन बाइंडर हमने सबसे पहले खोले थे वो जो मेन बाइंडर थे वाइट रेड ब्लैक येलो, इनके अंदर ये हमने देखा था ये 32-32 पेयर है, यानी कि 8-8 पेयर के चार, और उसके अंदर जो 8-8 पेयर के चार थे वो 8 पेयर पे ब्लू बाइंडर, ऑरेंज बाइंडर, ग्रीन बाइंडर और ब्राउन बाइंडर, ये चार बाइंडर थे। और उन जो 8 पेयर थे, 8 पेयर के कलर थे वाइट ब्लू, वाइट ऑरेंज, वाइट ग्रीन, वाइट ब्राउन, रेड ब्लू, रेड ऑरेंज, रेड ग्रीन, रेड ब्राउन। इस प्रकार ये 8 पेयर के ये सबसे पहले चार यूनिट बनाए, उन चार यूनिट को फिर 32-32 पेयर बनाया, और 32 पेयर के चार यूनिट को फिर 128 पेयर बनाया। तो इस प्रकार ये